इसमें अर्जुन ने जो पूछा उसका उत्तर इन्होंने दिया। अर्जुन ने पूछा है केशव समाधि स्थित व सुस्थिर बुद्धि के लक्षण कहो। समाधि स्थित मतलब जो समाधि में है और सुस्थिर बुद्धि के लक्षण कहो, कैसे चले बोले व बैठे बुद्धि सुस्थिर तब कहो। तो कृष्ण कह रहे हैं पार्थ कर्ता जब पुरुष मन कामना का त्याग है, जब न समय में तो होता नहीं करता जब पुरुष मन कामना का त्याग है हाँ, तब आत्मा से आत्मा में तुष्ट सुस्थिर बुद्धि है। तुष्ट मतलब संतुष्ट, आत्मा से आत्मा में मतलब अपने आप में ही आत्म अपने आप में ही संतुष्ट हो गया और कुछ उसको नहीं चाहिए। खिन्न मन दुख में न है, इच्छा कभी दुख में न है, न दुख में और ज्यादा छिपाने की इच्छा है न दुख में खिन्न है मन। रागहीन, राग मतलब होता है अटैचमेंट किसी चीज पे, ये चीज मिल जाए नहीं तो ये मोबाइल अच्छा है ना टूट जाए। रागहीन राग से दूर व क्रोध भय से दूर सुस्थिर बुद्धि है। दूर सब में स्नेह से शुभ अशुभ की जो प्राप्ति है, सब में दूर सब चीज से दूर है, शुभ अशुभ की जो प्राप्ति है होनी है नहीं होनी है, मतलब आपको ये मिल जाए ना मिले वो सबसे कुछ अटैचमेंट नहीं है। जिसको न द्वेष आनंद हो उसकी अचल है बुद्धि है, न किसी से द्वेष है न आनंद होता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि आनंद आनंद भी एक ऐसा पार्ट है कि जो कि मतलब ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहे दुखी रहो, लेकिन उस टाइप का आनंद नहीं होना चाहिए कि ये मिल गया अरे वाह खुश हो गए हम, जैसे बच्चा खुश रहता है टॉफी दे दो, वो फिर मटेरियलिस्टिक आनंद है, अटैचमेंट उस चीज का अटैचमेंट वाला आनंद। जिसको न द्वेष आनंद हो उसकी अचल ही है बुद्धि है। इन इंद्रियों को यह पुरुष कच्छप तरह सब ओर से, कछुए की तरह सब ओर से खींच लेता बुद्धि सुस्थिर, सुस्थिर इंद्रियों के भोग से। इंद्रियों का जो भोग है मतलब जैसे जैसे मन का भोग है मटेरियलिस्टिक चीजें, जैसे ज्यादा पीजीपी है ज्यादा पैसा है इस तरह की चीजें, तो इन खींच लेता बुद्धि सुस्थिर बुद्धि को उनसे खींच लेता है दूर कछुए की तरह। इंद्रिय विषय त्यागी पुरुष के, इंद्रिय के विषय जो त्याग देता है, विषय हटते रस नहीं, ऐसा नहीं है कि उसको आनंद मिलना बंद हो जाता है, पैसा नहीं है या कि ये नहीं है पीजीपी नहीं है तो, किंतु रस भी इस पुरुष का ब्रह्म लखी लौटे सही, मतलब ब्रह्म को पाके लौट आता है रस। ब्रह्म ब्रह्म मतलब आगे इन्होंने बताया ब्रह्म क्या है। ब्रह्म मतलब ऐसा नहीं कि कोई ये गॉड ये विष्णु या कि गणपति सूर लटका है। यत्नशील सुविज्ञ नर को भी वृथा सुति है बने, ये बहुत ही अच्छा लगता है श्लोक, क्योंकि ये है यत्नशील मेहनत करने वाले सुविज्ञ ज्ञानी नर को भी ये चीजें परेशान कर लेती है। मतलब ये हमें इसके लिए अच्छा लगता है कि ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही तुच्छ हैं, इसके लिए हम इंद्रियां परेशान करें। यत्नशील सुविज्ञ नर को भी वृथा सुति यह बने बने परेशान कर लेती है अति मथन वाली इंद्रियां, मन को सभी वरवश है, जबरदस्ती हर लेती है मन को, अपने तरफ खींच ले जाती है। उन सभी को रोक कर परमात्मा में जो लीन है, परमात्मा मतलब आप समझ रहे हैं ना परम आत्मा, मतलब परम आत्मा मतलब ऐसा नहीं कि ईश्वर, परम आत्मा मतलब अपने आप का अल्टीमेट रूप, परम मतलब अल्टीमेट आत्मा, हम अपने आप का अल्टीमेट रूप मतलब आत्म ज्ञान हो जाए हाँ, मतलब अपने आप को अच्छे से आप पहचान लो, मतलब अपने आप को आप पैसे या पीजीपीए या सर्टिफिकेट या डिग्री या खान स्वादिष्ट खाने इस सब में मत ढूंढो या कि लग्जरियस लाइफ में, अपने आप को आप अपने अंदर ढूंढो उसको परमात्मा। उन सभी को रोक कर परमात्मा में जो लीन है, स्वाधीन जिसकी इंद्रियां सुस्थिर उसी की बुद्धि है, खुद की इंद्रियां स्वाधीन। इंद्रिया मतलब समझते हैं ना, इंद्रिया मतलब जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में घुमा करती है खाली। ध्यान विषयों का करे तब राग लेता जन्म है, विषयों का अगर आप ध्यान करो, विषय मतलब जान रहे ना बताए थे कि इंद्रियों के जो विषय है, ध्यान विषयों का करे तब राग लेता जन्म है, उनसे अटैचमेंट हो जाता है। राग से हो काम, काम मतलब कामना, उसको पाने की इच्छा हो जाती है, उससे क्रोध यह उत्पन्न है। इन्होंने बताया क्रोध किससे उत्पन्न होता है, इसी से मटेरियलिस्टिक इससे कि अटैचमेंट हो जाता है, फिर नहीं मिलता तो क्रोध होता है कि क्यों नहीं मिल रहा है। क्रोध से हो मूर्ता, क्रोध से हम बेवकूफी भरे काम करते हैं, वह स्मृति उक्ति से भ्रष्ट हो और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। विस्मरण से बुद्धि नष्टी नर्क बुद्धि विनष्ट हो, इस तरह से नर्क विनष्ट हो नाश हो जाता है अगर मटेरियलिस्टिक आदमी है तो। इसके बदले क्या करना चाहिए, त्याग वैर व राग को, अटैचमेंट त्याग दो और वैर किसी से मतलब कंपटीशन त्याग दो, त्याग वैर व राग को, इंद्रिय विषय भी भोगता, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज। इसमें ये नहीं कह रहे कि आप छोड़ दो, मान लीजिए इंद्रिय का विषय जैसे स्वादिष्ट खाना,
ऐसा नहीं कह रहे कि आप मत खाओ, रसगुल्ला सामने दिख रहा है तो भी मत खाओ, कि नहीं नहीं हम तो त्याग दिए, ऐसा नहीं। त्याग वैर व राग को, वैर और राग को, अटैचमेंट को त्याग दो। इंद्रिय विषय भी भोगता, इंद्रिय विषय भोगते जाओ, मतलब खाते जाओ, एंजॉय करते जाओ, ऐसा नहीं कि मत मत छोड़ दो, लेकिन क्या उससे अटैच मत रहो। क्यों? आगे लिखा है स्वाधीन अंत मन, इसमें नहीं और थोड़ा आगे लिखा है स्वाधीन अंत मन हुए को हो सुप्राप्त प्रसन्नता। जब आपका अंत मन खुद के अधीन हो जाएगा तो आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी, लेकिन आपको उसको छोड़ना नहीं है कि छोड़ दो, रसगुल्ला दिख रहा है तो भी मत खाओ। अंत प्रसन्न मनुष्य के होता दुखों का नाश है, निर्मल पुरुष की बुद्धि सुस्थिर शीघ्र करती वास है। एक बार आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड त्याग दोगे तो शीघ्र सुस्थिर बुद्धि वास करने लगेगी। अवश्य के सद्बुद्धि नहीं, जो इसका मन वश में नहीं है उसको सद्बुद्धि नहीं है। पुनि भाव आस्तिक हो कहां, भाव विन नहीं शांति है, विन शांति के सुख हो कहां। यदि विचरती इंद्रियों के साथ मन रहता तदा, वायु जल में नाववत नरबुद्धि रहती है तदा। समझ ले कर, वायु जल में नाववत मतलब नाव की तरह, जैसे वायु भर लेती है नाव को अपने मन से कहीं भी ले जाती है, उस तरह नरबुद्धि हटती है तदा, नर की बुद्धि को इंद्रिया उल्ट अपने मन से ले जाती है। इस हेतु जिसकी इंद्रिया रोकी स्व विषयों से गई, सब ओर से है पार, उसकी बुद्धि सुस्थिर हो गई। जग समझता रात, समझ गए ना, जग समझता रात्रि जिसको, संयमी उसमें जगे। मतलब जग को ये रात्रि लगती है कि तुम तो भाई प्लेसमेंट, जैसे हम इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं तो बहुत लोग हमको बोलते क्या ये केयरलेस, या कि इस तरह से सोचते हैं कि हम आलसी और केयरलेस हो गए, कुछ नहीं करना। तो जग समझता रात्रि जिसको, संयमी उसमें जगे, जो संयमी है उसी में जगता है। तत्व की वह रात्रि है दिनमान जिसमें जग जगे, जिसमें जग जगता है नॉर्मल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, हमारे लिए रात्रि है। पाकर सरित जल सिंधु ज्यों, चंचल कभी होता नहीं। समझ जाए सरिता क्या होता है, नदी। सरित जल पाकर जो सिंधु, चंचल नहीं होता, एकदम शांत रहता है, कितना भी पानी उसमें मिलता जाए उसी वैसे समाते भोग पाता शांति व कामी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। वैसे समाते भोग, आप जो भोग इंद्रिय के, कि मतलब जैसे लग्जरी या खाना ये टाइप के, वो हाँ आपके समा जाते हैं और उससे मतलब खुशी आप एंजॉय करो, मीठा है, लेकिन ये नहीं कि नॉर्मली देखे खुशी का एक बहुत ही मटेरियलिस्टिक खुशी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और ज्यादा की चाहत, कि अरे और दो रसगुल्ला और तीन मिल जाए, वो नहीं होना चाहिए कि सर एकदम शांति से समाज जाए, हम खा लें, हाँ वो मीठा था अच्छा था बस, दैट्स ऑल। पाकर सरित जल सिंधु जो चंचल कभी होता नहीं, वैसे समाते भोग पाता शांति व कामी नहीं, और कामना नहीं होती है, शांति पाता है खाली। जो पुरुष इच्छा रहित हो त्याग सब कामों को, हर तरह की कामना को त्याग दे और इच्छा रहित हो, ममता अहम से दूर रहता प्राप्त करता शांति को। अब देखिए ब्रह्म क्या है, वो लिखा है ब्रह्म भाव स्थिति यही है पार, इसी को ब्रह्म कह रहे हैं, इसी को ब्रह्म जो यहाँ पर लिखा है ना, सारी चीजें जो होती है, हाँ हाँ ब्रह्म लिखी लौटे थे ब्रह्म भाव। ब्रह्म ये नहीं कह रहे कि कोई ये सब कूटपटांग का जो ब्रह्म बोलते हैं ना बाद में बना दिए गणपति और क्या क्या फालतू के, ब्रह्म भाव स्थिति यही है पार, पार नहीं मोहता, मोहता मत पाओ, इसी को कहते हैं ब्रह्म बनना, इसी को भगवान कहते हैं। रहकर इसी में अंत में आनंद रस को भोगता, सही आनंद इसी में मिलता है। ये बहुत ही ग्रेट चीज इन्होंने लिखी है, और इसमें इसमें और भी एक आध चीजें एक आध जगह पर बहुत ही बढ़िया लिखे हम आपको दिखाते हैं। हम लोग कई बार बात करते हैं ना कि कितना लिखे, ये है लाइफ, मतलब इनसिग्निफिकेंट है, 50-60 साल आप कुछ करें ना करें, क्यों हम लोग को मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर होना चाहिए, क्योंकि 50-60 साल कुछ करें ना करें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फाइनली कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर लो। तो वही इन्होंने आगे अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो गए, तो वैसे आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा देर और आगे बता, ये भी अच्छा ही पार्ट है, और ऑफकोर्स मेन पार्ट वो खत्म हो गया जिसमें उसकी पूरा सार है, लेकिन इसमें और आगे उसी का एक्सप्लेन किया। अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो गए, हे जनार्दन कर्म से यदि ज्ञान गुरु तुम मानते, लिखा है ना बार बार की काम या कामना काम से कामना होती है, इसके लिए मत करो काम मत करो। कर्म से यदि ज्ञान गुरु तुम मानते तो मुझे क्यों इस भयंकर कर्म में हो तानते, इन मिश्र वचनों से हमारी मोह से तुम बुद्धि हो, उस एक को निश्चय कहो मेरा यथा कल्याण हो। कोई एक बात कहो तो, हाँ हाँ दोनों में कंफ्यूज मत करो, दो बातें
कर्म करो भी और मत भी करो, मतलब हाँ अटैच मत रहो, मतलब कर्म भी करो, ये वो करो लेकिन और एग्जैक्टली, मतलब एंजॉय करो भी और मत भी करो, मतलब वो मटेरियलिस्टिक वाला एंजॉयमेंट मत करो, वो कह रहे हैं कि और ज्यादा की चाहत जो होने लगती है इमीडिएटली, कह रहे हैं बहुत अच्छा और तोला होता है ना हमेशा। तो इसमें इन्होंने कहा है, मैंने कही निष्ठा अनग, इस अनग मतलब उनको कह रहे हैं, मैंने कही निष्ठा अनग इस लोक में दो रीति की, ज्ञानियों की ज्ञान योग व कर्म योग सुयोगी की, प्रारंभ कर्म नहीं करे निष्काम होता नर नहीं, कर्म को त्याग देने से ऐसा नहीं है कि तुम्हारी कामना खत्म हो जाएगी मन की, कर्म न करके बहुत लोग बहुत मटेरियलिस्टिक रहते हैं, शराब के दिन में पड़े रहते हैं, प्रारंभ कर्म नहीं करे निष्काम होता मर नहीं नर नहीं, कर्म केवल त्यागने से सिद्धि भी मिलती नहीं,